मध्य प्रदेश में कांग्रेस समय आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लगातार प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की मुख्य विंग अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चा के बाद अब युवा कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस 4.5 लाख पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को सौंपने की योजना बना रही है। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। युवा कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें युवाओं ने अपनी समस्याएं और सवाल पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे हैं। मितेंद्र दर्शन सिंह के अनुसार इस अभियान के तहत लगभग 4.5 लाख पोस्ट कार्ड एकत्र किए गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा जाएगा। मितेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी ने 2018 और 2023 के चुनावों में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस बार विधानसभा सत्र में नौकरियों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। 80,000 पदों के लिए 80 लाख युवाओं ने आवेदन भरे थे, लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि घोटाले लगातार हो रहे हैं और आम जनता, किसान और युवा सभी परेशान। इनकी मुख्य मांगों में सरकार ने चुनावों में 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जो अब तक पूरी नहीं हुई। 1.3 करोड़ हितग्राही बहनों को आवास देने का वादा भी अधूरा है। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए फॉर्म फीस कब माफ की जाएगी? नर्सिंग घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? देश के अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कब मिलेगी आदि शामिल है। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन और सवालों से राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के आरोपों और मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जिससे यह देखा जा सकेगा कि क्या सरकार इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं।